दोस्तों आज हम बताएंगे आपको नेहा नाम का मतलब क्या होता है। तो दोस्त नेहा नाम का मतलब ओस की बूंद, देखो, प्यार, वर्षा, तेज, एक शरारती, एक स्नेह के लिए प्रशंसा की होता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें और सारे अर्थ जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आने वाले टाइम में और मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अपने बच्चे को नेहा नाम देने से पहले आपको उसका अर्थ जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या है, आपको सभी जानकारी हो जाएंगी जिससे आपका बच्चे का जीवन संवर जाएगा। कई इस तरह के अच्छे अच्छे मतलब होते हैं इसके, वर्षा, तेज, प्यार, इस तरह का। तो इससे क्या है, जो नेहा नाम के लोगों में ऐसा व्यक्तित्व देखने को मिलता भी है। शास्त्रों में नेहा नाम को काफ़ी अच्छा माना गया है और इसका मतलब ओस की बूंदें, प्यार, इस तरह का होता है। नेहा नाम रखने से आपका बच्चा भी वो गुण ले लेता है जो इसके अर्थ में समाहित होता है। नेहा नाम के जैसे कि अर्थ मैंने बताए थे सारे, प्यार, वर्षा, तेज, तो शरारती के स्नेही भी हो जाता है और ये स्वभाव आपको देख सकते हैं उनके स्वभाव में भी। नेहा नाम की राशि और नेहा नाम का लकी नंबर वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नेहा नाम का जो राशि है वो नेहा नाम की राशि की मंगल है और शुभ अंक 9 है। मंगल के प्रभाव में 9 अंक वाली नेहा नाम की लड़कियाँ कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानती और इनमें हर मुश्किल का डटकर सामना करने का जज्बा होता है। नेहा नाम की महिलाओं को शुरुआती जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास की सफलता हासिल करती हैं। इस अंक की लड़कियां साहसी होती हैं। नेता या सैनिक बनना इनके लिए बेहतरीन करियर विकल्प है। नेहा नाम की लड़कियों का स्वभाव गुस्सैल और स्वतंत्र होता है एवं इन्हें किसी बात सुनना पसंद नहीं होता। नेहा नाम की लड़कियां अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। इनका व्यक्तित्व, नेहा नाम की लड़कियों की राशि वृश्चिक होती है। नेहा वाली लड़कियां बहुत आक्रामक होती हैं और दूसरों पर हावी रहती हैं। ये दूसरों से पहले अपने बारे में सोचती हैं। नेहा नाम की महिलाएं हमेशा दूसरों को सहयोग करती हैं। प्रेम संबंध में भी ये ईमानदार रहती हैं। नेहा नाम की लड़कियाँ सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति का ही ईमानदारी से साथ देती हैं। भरोसा टूटने पर वो बातचीत करना बंद कर देती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। नेहा नाम की महिलाएं स्वार्थी मानी जाती हैं जबकि ये ऐसी बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों ये थी नेहा नाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह की जानकारी और चाहते किसी और नाम का अर्थ और मतलब तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वो नाम मैं अगला वीडियो उस नाम पर बना दूंगा। तो फिलहाल के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।